ना अकल की जरूरत है, हक बात को समझने के लिए एक ही एक चीज की जरूरत है, वो है अल्लाह की हिदायत और अल्लाह की तौफीक। ये मांग लो अपने रब से, बड़े बड़े मसाइल इंशाअल्लाह अजीज दीन के हल हो जाएंगे। अल्लाह तेरा दीन समझा, हिदायत दे मुझे। हिदायत ऐसी चीज है कि बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। अल्लाह जिसको हिदायत दे दे, कसम खुदा की उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। और अल्लाह जिसको गुमराह कर दे और उसको कोई हिदायत पर नहीं ला सकता। सारे दलाइल एक तरफ, सारे बराइन एक तरफ, सारी अकल एक तरफ, सारी मंतिक लॉजिक और इल्म और अकल सब एक तरफ, हिदायत नहीं है तो सब क्या है सिवाय कागज के टुकड़े के, और कुछ नहीं है। देखोगे आपने बड़े बड़े ख्वाबाद लोगों के पास पूरी लाइब्रेरी की लाइब्रेरी है किताबों की, मगर हिदायत नहीं है तो उनसे कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा है। तो बात यहां से निकली जो सही बुखारी हदीस आपके आगे रख रहा था कि ईसाइयों ने कहा अल्लाह कसम अल्लाह की, ईसाई होकर भी अल्लाह की कसम खा रहे हैं। अल्लाह को जानते थे, अच्छी तरह जानते थे, मगर शिर्क किया, कुफ्र किया, इसलिए काफिर और मुशरिक कहलाए। मुसलमान करेंगे तो यही हुक्म लगेगा। आज बड़ा अजीब और गरीब ज़हनियत बनती जा रही है, शैतान और शैतान के चेले इस बात को फरोग दे रहे हैं। कोई भी आयत पेश करो, ये आयत फलां के लिए थी, हमारे लिए नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते आप? तो कुरान में तो नमाज पढ़ो का हुक्म है, वो तो सिर्फ सहाबा के लिए था, तुम क्यों पढ़ते हो? कुरान में तो कहा ज़कात अदा करो तो सहाबा को हुक्म दिया गया, तुम क्यों देते हो? जब वो आए थे तुमको फिट हो सकती है, तो उस वक्त के मुशरिकों को अल्लाह ने जो डराया, वो आज के मुशरिकों के लिए भी वही हुक्म रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? जरूर रहेगा। ईसाई वो अल्लाह अल्लाह कसम खाकर कहते हैं, जो राय मशवरा जो कर रहे थे कहते हैं ला तफल, ऐसा मत करना, कसम अल्लाह की, लेकिन कान नबीयन, अगर ये नबी है, फल अन्ना ला नुफलिहु नहनु, तो हमारे एक दूसरे पर लानत करने से हम हरगिज कभी कामयाब नहीं होंगे। वला अकीबुना मिन बादिना, और हम जिस अंदाज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुलाया, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, घर वालियों को, औरतों को और खुद को बुलाया है, उसके हिसाब से तो वाला अकीबुना मिन बादिना, हमारे बाद हमारी नस्ल भी कभी आबाद नहीं होगी। आला, फिर दोनों ने कहा आप सल्लम से मुखातिब होकर, इन्ना नुतीक मा सअलतना, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको वो देने के लिए तैयार जो आप हमसे मांगे। وَبْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمارے ساتھ ہار گئے, دلائل سے, براہن سے, مناظرے سے, سب کچھ ہتھیار ڈال دیا مباہرہ آنے کے بعد, اس سے پہلے تو ساری بحثیں تھی, سارا ہٹ دھرمی تھی, مگر ماننے کو تیار نہیں تھے۔ جب مباہلہ آیا, ملاعنہ آیا, تو ہتھیار ڈال دے, کہا کہ تم جو کہو ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہیں, ہمارے ساتھ ایک امین بھیجو, एक अमानतदार भेजो, ताकि जो जिजिए की जो पहली रकम है, जिजिए का जो पहली किस्त है वो दी जाए। फर्स्ट टाइम जो जिजिया दिया जा रहा था वो देने के लिए कोई अमानतदार हमारे साथ भेजो। वाला तब अतमाना इल्ला अमीना, देखो हमारे साथ ना भेजना मगर अमीन को ही, अमानतदार शख्स को ही हमारे साथ भेजना। फ़क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينًا, کیا زبردست الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا لَأَبْعَثَنَّ, دیکھیں آپ غور کیجئے, ابھی وہ وقت آیا نہیں کہ امین کون ہوگا اور کس کو بھیجا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کتنے یقین کے ساتھ لَأَبْعَثَنَّ کہتے ہیں, عربی زبان میں ضرور کا لفظ آتا ہے اس میں, میں ضرور بہ ضرور بھیجوں گا تمہارے ساتھ, اب آتن, میں ضرور بہ ضرور تمہارے ساتھ بھیجوں گا, معکم رجلن, ایسے آدمی کو جو امین ہوگا, حق امین, امانت کا حقدار بھی وہی ہوگا, امین کہلانے کا حقدار بھی ہوگا, ایسے ہی شخص کو میں تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ فاستشرف له اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تلاش کرنے لگے, ڈھونڈنے لگے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں,
सहाबा की जो ग्रोह है उसमें आप सलम तलाश कर रहे हैं कौन है जो वाकई इस उम्मत का अमीन है, जो अमानतदार है, अमीन का लकब जिसको दिया जा सकता है, कौन है, है ना। आप सलम तो दावा पहले कर चुके कि मैं जरूर भेजूंगा, मतलब आप सलम को यकीन है कि एक शख्स है जो ऑलरेडी ऐसा है, तभी तो पहले से दावा कर लिया कि जरूर मैं तुम्हारे साथ अमीन, जो अमीन होने का हकदार है उसी को भेजूंगा। सिर्फ आके तलाश कर रही है वो कहां है, वो शख्स नजर नहीं आ रहा है, मालूम है कि है अब वो कहां है। ऐसा नहीं है कि कौन बेस्ट है, ऐसा नहीं देख रहे थे आप सल्लम, वो बेस्ट कहां है उसकी तलाश थी, वो बेस्ट शख्स कौन है, कहां है, कहां है, कौन तो मालूम था कहां है। आप सल्लम देखने लगे, उसके बाद कहा अकाल, आप सल्लम ने कहा कुम उठ जाओ, या अबा उबैदा इब्न जर्राह, ए उबैदा अबू उबैदा इब्न जर्राह उठ जाओ। तलाश कर रहे थे आप सल्लम किसको, अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, सहाबी रसूल, जबरदस्त सहाबी रसूल, कहा कि उठ जाओ। देखिए हुकुम और उससे पहले का यकीन और ये दावा कि मैं जरूर भेजूंगा क्या साबित कर रहा है, क्या साबित कर रहा है, नबी अंदाजे से हवा में बातें नहीं करते, अल्लम गल्लम पक्की बातें होती है। इसी से इस बात का सबूत होता है कि नबियों पर वही होती है ना। आपने देखेंगे बहुत सारे हदीस में आप सब बोलते हैं आठ बातें मैं बयान करता हूं, सात बातें मैं बयान, अब आप बताइए कोई मुकर्रर है जिसने कोई तकरीर की तैयारी न की हो और वो बोले कि सात बातें बयान करता हूं, वो बोले कि चंद बातें बयान कर रहा हूं, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, कितने होंगे उसको नहीं पता होता है। मैं नबी जब बात